छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव में सबसे कम अंतर से जीत दर्ज करने वाले कांकेर विधायक आसाराम नेताम इस वक्त हमारे साथ हैं। आसाराम नेताम अपनी जीत के पश्चात लगातार जो ग्रामीण इलाके हैं, शहरी इलाके हैं, वहां दौरा कर रहे हैं, जनता का धन्यवाद कर रहे हैं। इस बीच कई समस्याएं भी निकलकर सामने आई हैं, हम उन्हीं से जानेंगे। आसाराम जी, आपको सबसे पहले बहुत बहुत बधाई इस जीत की, और लगातार आप दौरा कर रहे हैं ग्रामीण क्षेत्रों में भी, शहरी क्षेत्रों में भी, किस तरह की समस्याएं जो है वो ग्रामीणों द्वारा आपको बताई जा रही है? जी, आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद और सब लोगों को जय जोहार। जो छत्तीसगढ़ अपना चुनाव जीतने के बाद मैं कार्यकर्ता हूँ, देवतुल्य कार्यकर्ताओं को और देवतुल्य वोटर जो हमको आशीर्वाद दिए उनके बीच जाकर उनको प्रणाम करता हूँ, उनसे आशीर्वाद लेता हूँ और उनकी समस्याओं को जानने का प्रयास करता हूँ। जो समस्या बताते हैं वो फोन से हो उसे फोन से करते हैं और नहीं होता है ऑफिस, हम ऑफिस जाकर उनका काम कर रहे हैं और उन्हीं के आशीर्वाद हैं जो आज हम विधायक बने हैं। और जो भी समस्या हो, हम एक परिवार के रूप में, कार्यकर्ताओं के सेवक के रूप में हम काम करना चाहते हैं, इसलिए हम उन्हें जो हमने हमको आशीर्वाद दिया है उनके बीच हम आशीर्वाद ले रहे हैं, उनको पूछ रहे हैं कि आपको समस्या क्या है और हमको कैसा काम करना है आप बताइएंगे, वैसे हम काम करेंगे, आपने जैसे चलाएंगे हम वैसे चलेंगे, ऐसे कहने के लिए, उनको बताने के लिए जनता के बीच में जाता हूँ। लगातार आप दौरा कर रहे हैं, किस तरह की समस्याएं आपको दिख रही है? क्योंकि 5 साल कांग्रेस का शासन रहा, आप लोग ही आरोप लगाते रहे कि 5 सालों में काम नहीं हुआ, किस तरह की समस्याएं आप देख पा रहे हैं? समस्या बता रहे हैं, जैसे स्वास्थ्य के क्षेत्र में और पानी के क्षेत्र में, रोड पुल पुलिया, और जो किसान भाई बोल रहे हैं कि जब पिछले सरकार थी हमारा लाइट नहीं हो रहा है, हमें कनेक्शन नहीं मिल रहा है, हमारे खेत तक पुल नहीं गड़े, ये तमाम प्रकार की समस्या बता रहे हैं। किसी का पेंशन कार्ड बना है तो पेंशन नहीं मिले, ऐसे हमारे बुजुर्ग सियान माता लोग बताते हैं गांव गांव में। इसलिए अभी देश के प्रधानमंत्री जी के संकल्प भारत योजना के तहत गांव गांव हम लोग जा रहे हैं, वहां स्टॉल लगा रहे हैं, बड़े जिले के पदाधिकारी को हम लोग धरातल में बिठाकर, जमीन में बिठाकर इन सब की योजना के बारे में बताओ और उनके बीच जो कमी है हमको बताओ, हम जो है हमारे सरकार को बताएंगे, हमारे देश के प्रधानमंत्री को बताएंगे, ऐसे करके हम सब लोगों को काम में लगा दिए हैं। अच्छा, एक आखिरी सवाल, विधायक निधि एक अच्छा माध्यम होता है आप लोगों के पास, इसका इस्तेमाल आप किस तरह से करेंगे? जैसा मांग करेंगे वैसे विधायक निधि का काम करेंगे, उनके जो जरूरत का काम है वो सब चीज करेंगे और उनके मांगे अनुसार से करेंगे, वो उन्हीं के लिए रहता है निधि। ये थे कांकेर के विधायक आसाराम नेताम, जिनका दावा है कि जनता जैसा चाहेगी हम वैसा विकास का कार्य करेंगे और जो काम पिछले 5 सालों में नहीं हो पाए कांग्रेस शासन में उसे पूर्ण करने का काम आसाराम नेताम करेंगे। गौरव श्रीवास्तव, छत्तीसगढ़ तक।